नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। आप देख रहे हैं इस समय मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप तमाम हमारे व्यूवर्स खुश रहें, आनंदित रहें और आपके जीवन में रोशनी जगमगाता रहे। तो आप इसी के साथ हमारे चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। चलिए अब खबरों को शुरुआत करते हैं। इस समय की एक बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और यह कोई वैसी इस्तीफा नहीं, नई सरकार की गठन के संबंध में नहीं, बल्कि जब भी नई सरकार का गठन होता है तो पुराने मंत्रिमंडल को भंग करना पड़ता है, यानी 16वीं विधानसभा को जो भंग कर दिया गया है। और नई विधानसभा का गठन करने के लिए, 17वीं विधानसभा के गठन करने के लिए मुख्यमंत्री पद का सबसे पहले इस्तीफा दिया जाता है। तमाम मंत्री परिषद जो है, मंत्री लोग हैं, उनका इस्तीफा दिया जाता है और उसके बाद नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और नई सरकार के गठन के लिए कल यानी 15 नवम्बर को आज दीपावली है। इसके कारण आज नहीं बल्कि कल दीपावली के बाद नई सरकार के गठन के लिए विधायक दलों के एनडीए का जो है बैठक होगी, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, उसमें पास भी किया जाएगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, किनको क्या मंत्री पद मिलता है, इसका भी उसमें चर्चा किया जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है, आज के अखबारों में भी है। प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य मंत्रिमंडल की सहमति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा के बाद 16वीं विधानसभा भंग कर दी है। राज्यपाल जो हैं 16वीं विधानसभा को भंग कर दिए हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा, राज्यपाल जो है उसको भंग कर दिए विधानसभा को। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर उन्हें अपना और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने इस मंत्रिपरिषद गठित होने तक मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यवाहक रूप में पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। अब तो ऐसा नहीं है कि आप इस्तीफा दे दिए तो बिल्कुल वो कामकाज बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो राज्यपाल ने अनुरोध किया है कि जब तक नई मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता है आप अपने पद को देखते रहेंगे, राज्य को देखते रहेंगे। शुक्रवार की देर शाम मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर मंत्रिमंडल सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। सचिव दीपक कुमार ने बताया कि आज की बैठक में दो निर्णय लिए गए हैं, पहला विधानसभा भंग करने का और इसकी अनुशंसा राज्यपाल से करने का। दोनों प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। बैठक में दो दिवंगत मंत्रियों विनोद नारायण सिंह और कपिल देव कामत के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। और 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगा, जिसमें चारों घटक दल जो हैं, जिसमें मैं बता दूं कि भाजपा जो एक एनडीए में बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभर कर सामने आई है, और दूसरा जदयू, और तीसरा हम, और चौथा वीआईपी पार्टी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा और जदयू नीतीश का चेहरा, और तीसरा जो है हम, जीताराम मांझी, और चौथा वीआईपी, ये तमाम दल जो हैं, चारों दल हैं, कल बैठेंगे, एनडीए की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के लिए तमाम लोगों की सहमति बनेगी। ऐसा चर्चा है कि मुकेश सहनी भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और जीताराम मांझी पहले ही ये इनकार कर चुके हैं कि हम कोई मंत्री पद नहीं लेंगे बल्कि हमारे पार्टी से किसी को बनाया जाएगा। तो ये तमाम चर्चा जो है। और इधर शिक्षा मंत्री जो हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री पिछले शिक्षा मंत्री वो जो हैं चुनाव हार गए हैं और बहुत सारे लोग चुनाव हार गए हैं, जिसके कारण अब कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब देखना यह भी होगा कि भाजपा के सीट ज़्यादा 74 सीट आने और 43 सीट पर जदयू के होने के कारण अब लगता है कि भाजपा के मंत्रियों की संख्या शायद ज़्यादा होगा। पहले जदयू के मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती थी क्योंकि जदयू बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। तो इस तरह से इसमें कवरेज किया गया है। बहुत अच्छा आज की खबर है, एक बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार नई सरकार के गठन के लिए आगे बढ़ना शुरू हो गए। एक बात और बता दूं कि दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, हर जगह चर्चा बना हुआ है कि अब सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बल्कि नए चेहरे के रूप में कामेश्वर चौपाल को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे मैं बता दूं कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी जमती है और दोनों में अच्छा विचार मिलता है और लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन पार्टी का फैसला अंतिम फैसला है। अब पार्टी
भाजपा आखिर कामेश्वर चौपाल को इसमें क्यों आगे लाना चाहती है, उप मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहती है? तो दलित से वो आते हैं और दलित के रूप में उनको चेहरा आगे लाना चाहती है, जिससे आगे का जो उनका रणनीति है वह बिल्कुल तैयार हो। ऐसा शायद हो सकता है। अब देखना यह होगा कि कल NDA की बैठक में कौन से चेहरे सामने आने की बात चलती है। लेकिन तो यह तो कन्फर्म है कि भाजपा पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि बिहार में NDA का नेता के रूप में, मुख्यमंत्री पद के रूप में नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब देखिए नए लोग कौन कौन आते हैं। हमारे साथ आप बने रहें, वीडियो में बने रहें, मगध संवाद से जुड़े रहें। तब तक मगध संवाद आप देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।